वेलकम टू मोटर रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं होंडा की तरफ से आने वाली ऑल न्यू अपकमिंग होंडा NX200 स्क्रैम्बलर के लॉन्च डिटेल। आप में से काफी ज्यादा कस्टमर एक बाइक बाय करना चाहते हैं स्क्रैम्बलर लुक्स में, जिसका प्राइस भी अफोर्डेबल हो एंड ये बाइक कैटेगरी में फॉल करे 150cc सेगमेंट से लेकर 200cc सेगमेंट में। बट फिलहाल इंडिया में आपको कोई भी स्क्रैम्बलर बाइक नहीं देखने को मिलता इस कैटेगरी में, बट बहुत ही जल्द इंडिया में आपको काफी न्यू स्क्रैम्बलर बाइक्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए, इस रिव्यू वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए। थोड़े दिन पहले एक अपडेट था, होंडा कंपनी एक ऑल न्यू बाइक पे वर्क कर रही है एंड होंडा कंपनी ने इस बाइक का नेम भी रजिस्टर कर लिया इंडिया में। कहा जा रहा था कि ये एक एडवेंचर बाइक होगा, बट काफ़ी ज़्यादा चांसेस है होंडा एक ऑल न्यू स्क्रैम्बलर रेट्रो स्टाइल बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, क्योंकि इन बाइक्स की काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी है इंडियन मार्केट में। यामा भी जल्द इंडियन मार्केट में ऑल न्यू FZX को लॉन्च करेगा। इस बाइक में आपको टोटली रेट्रो स्टाइल लुक्स देखने को मिल जाएंगे। यामा FZX की प्रोडक्शन रेडी पिक्चर्स भी लीक हो चुकी हैं। इंडिया में अफोर्डेबल 150cc सेगमेंट से लेकर 200cc रेट्रो स्टाइल बाइक की काफ़ी डिमांड बढ़ी हुई है एंड कंपनीज को भी ये चीज़ पता है। यामा FZX की अगर हम लॉन्च की बात करेंगे, इस बाइक का लॉन्च आपको कुछ ही मंथ्स में देखने को मिलेगा। एंड फाइनली होंडा ने भी होंडा NX200 स्क्रैम्बलर पे भी वर्क स्टार्ट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं होंडा NX200 स्क्रैम्बलर में आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, प्राइस कितना देखने को मिलेगा एंड इस बाइक का इंडियन मार्केट में लॉन्च कब होगा। सारी डिटेल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए। इस बाइक में आपको टोटली रेट्रो स्टाइल स्क्रैम्बलर लुक्स देखने को मिल जाती है। अगर इस बाइक के हम फ्रंट हेडलाइट की बात करेंगे तो इसमें आपको नियो स्टाइल राउंड LED हेडलाइट मिल जाती है विद LED DRLs। अगर इस बाइक के हम हैंडल बार्स की बात करेंगे तो इसमें आपको अप फ्रंट स्ट्रेट हैंडल बार्स मिलते हैं फॉर इजी हैंडलिंग एंड इसमें आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन भी मिल जाएगा। अगर इस बाइक के हम मैकेनिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, वो आपको ज़्यादातर ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें आपको फ्रंट मडगार्ड, सस्पेंशन, इंजन, अलॉय व्हील्स एंड एग्जॉस्ट। इस बाइक में आपको टोटली मैकेनिकल कंपोनेंट्स ब्लैक कलर के देखने को मिल जाएंगे। अगर इस बाइक के हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो इसमें आपको LCD राउंड शेप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। NX200 स्क्रैम्बलर में आपको सिंगल सीट मिलेगी एंड इसमें आपको प्रीमियम लेदर फिनिश भी मिल जाएगी। अगर इस बाइक के हम फ्यूल टैंक के डिज़ाइन की बात करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी स्लीक एंड शार्प एजेस देखने को मिलेंगी एंड ये फ्यूल टैंक आपको 12 लीटर का मिल जाएगा। अगर इस बाइक के हम ABS की बात करते हैं तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा फ्रंट में। सस्पेंशन की बात करेंगे तो फ्रंट में इसमें आपको अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन मिलेंगे ब्लैक कलर में, रेयर सस्पेंशन में मोनोशॉक मिल जाएगा। अगर इस बाइक के हम डिस्क ब्रेक की बात करेंगे, फ्रंट डिस्क का साइज इसमें आपको 276mm सिंगल डिस्क देखने को मिलता है, रेयर डिस्क का साइज इसमें आपको 220mm सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे एंड इस बाइक के जो टायर्स हैं वो ड्यूल पर्पस होंगे, इन टायर्स के साथ आप ऑफ रोडिंग भी कर पाएंगे। अगर इस बाइक के हम इंजन की बात करेंगे, इस बाइक में आपको सेम इंजन देखने को मिल जाएगा जो आपको होंडा हॉर्नेट 2.0 में मिलता है, इस बाइक में भी आपको सेम इंजन मिल जाएगा। अगर इस बाइक के हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इसमें आपको 184.4cc का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन मिल जाता है। पावर इसमें आपको 17 HP की पावर जनरेट करेगा ये बाइक। टॉर्क इसमें आपको 16.1 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 5 speed gear मिल जाएंगे। सीट हाइट इस बाइक की 785mm की है, तो अगर आपकी हाइट 5'2" है आपको इस बाइक को राइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस बाइक की हम एवरेज एंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टॉप स्पीड इस बाइक की आपको 130 km/h के हिसाब से मिलती है। अगर इस बाइक की हम एवरेज की बात करेंगे सिटी में ये बाइक आपको 44 km/l के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। हाईवे पे ये बाइक आपको 48 km/l के हिसाब से एवरेज जनरेट कर देगा। अगर इस बाइक के हम कंपटीशन की बात करेंगे, इस बाइक का डायरेक्ट कंपटीशन आपको यामा FZX के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर इस बाइक के हम कलर अपडेट्स की बात करेंगे, इसमें आपको ग्लॉसी कलर्स एंड मैट कलर के ऑप्शंस देखने को मिल जाएगी। अगर हम होंडा NX200 के प्राइस की बात करेंगे, इस बाइक का प्राइस आपको 1,35,000 एक्स शोरूम एक्सपेक्टेड प्राइस देखने को मिलेगा। अगर इस बाइक के हम लॉन्च की बात करेंगे, होंडा NX200 स्क्रैम्बलर का लॉन्च आपको अक्टूबर 2021 तक देखने को मिल सकता है, तो आप इस बाइक के लिए वेट कर सकते हैं। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप यामा FZX को भी बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स या कभी भी कोई क्वेश्चन होते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।